ना जय श्री राम पढ़ेंगे ना सूर्य नमस्कार करेंगे अल्लाह तआला के मदद। जो भी शख्स मुसलमानों के खिलाफ दीन पर बात करेंगे उनको मैं कलमा पढ़ाऊंगा, चाहे हिंदू हो मुस्लिम या सिख हो, कोई भी रशीद अभी बंद है उसको पूरी तौर राहत कर दो कि उन्होंने भी झंडा उठाया हिंदुस्तान का, जो हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाले उनको जेल में डाल दो। हम भारत से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, जो हमारी भारत चलाने वाले उनसे मैं नफरत करता हूं। हमारे जम्मू कश्मीर में वो भी घर है जिनके पास पाँच पाँच छह छह लड़कियां हैं, जिनके पास कोई सुहारा नहीं है, वो कहां से लाएंगे? वो मुझे लग रहा है सरकार की यही साजिश चल रही है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे, मगर बबर शेर ये कभी बर्दाश्त नहीं। रोडों की हालत देखो, ये तो हमारा डिजिटल इंडिया है, ये हमारा पीछे इंडिया हो गया डिजिटल इंडिया नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिस अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है। क्या मेरा ये आबी आबाई इलाका है खाग, तो मैंने आज प्रोग्राम बनाया कि खाग इलाके में आऊँगा। यहाँ तो बहुत ही मुश्किलात हैं, लोगों की राशन की किल्लत है, पानी पीने की पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है। मैं डिप्टी कमिश्नर बडगाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खास कर खाग इलाके के लोगों के लिए तवज्जो दे दो। ये पसमानदा इलाका है, यहाँ तो गरीब लोग हैं रहते हैं, इनके लिए खास कर ज़रूरी तवज्जो दे दो। बबर शेर कश्मीर धरती पर जिंदा है, तब तक कोई मुसलमान जम्मू कश्मीर के मुसलमान ना सूर्य नमस्कार पढ़ेंगे तो ना तो जय श्री राम पढ़ेंगे, जब तक कश्मीर धरती पर बबर शेर जिंदा है। बबर शेर इसके लिए खून देने के लिए तैयार है, इसके लिए जान भी देने जरूरत पड़ेगा, मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। ये कभी बबर शेर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बबर शेर भाजपा सरकार वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी ये बोलेंगे इंशाल्लाह उनको मैं कलमा पढ़ाऊंगा अल्लाह ताला के मदद से। अगर हम फरियाद करेंगे, हम अल्लाह ताला से फरियाद करेंगे, और ना जय श्री राम पढ़ेंगे ना सूर्य नमस्कार करेंगे अल्लाह ताला के मदद से। जो भी शख्स मुसलमानों के खिलाफ दीन पर बात करेंगे उनको मैं कलमा पढ़ाऊंगा, चाहे हिंदू हो मुस्लिम या सिख हो, कोई भी तबका से कोई बताएंगे कि ये मुसलमानों के खिलाफ मजहब के, इंशाल्लाह।